जी, आज हम लोग जो है तो मजलिस की पूरी टीम हम लोग डिविजनल कमिश्नर कार्यालय के ऊपर यहाँ पर आए थे। सुनील केंद्रकर साहब से हमारी मुलाकात होनी थी मगर वो कुछ दौरे पे थे तो वो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, मगर उप विभागीय आयुक्त जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई है। यहाँ पर आने की वजह ये थी कि पिछले 2-3 दिनों से जो है तो पूरे शहर के अंदर RTO साहब घूम रहे हैं और RTO साहब ये जो है तो अमीर रिक्शे वालों को जो है तो 5,000 की 7,000 की पौतियाँ दे रहे हैं। यही अमीर रिक्शे वालों को जो है तो ट्रैफिक वाले 700 से लेकर 1500 की जो है तो पौती दे रहे हैं। हुआ ये है कि बड़े बड़े अधिकारियों साहब को जो है तो कोरोना ने कान के अंदर आकर बोला कि देखिए आप जो है तो प्लेन से लोगों को भेजिए, हम मैं वहाँ पर नहीं आऊँगा, आप जो है तो खादगी गाड़ियों से जो है तो लोगों को भेजिए, मैं वहाँ पर नहीं आऊँगा। मगर कोई अमीर रिक्शे वाला या गरीब रिक्शे वाला अगर जो है तो रिक्शा चलाएगा तो मैं उसके जो है तो रिक्शे के अंदर घुस जाऊँगा। तो इसीलिए जो है तो अधिकारी साहब ने एक आदेश पास किया है कि जो है तो रिक्शे के अंदर 2 से ज़्यादा लोगों ने बैठना नहीं चाहिए। तो यही आदेश का पालन जो है तो ट्रैफिक वाले भी ज़ोर शोर से कर रहे हैं, RTO साहब भी ज़ोर शोर से कर रहे हैं। तो इसी के जो है तो विरोध में आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मैं हमारे शारिख नक्शबंदी साहब जो हमारे सिटी प्रेसिडेंट है, हमारे मुंशी भैया पटेल जो हमारे ज़िला के युवा अध्यक्ष हैं, हम सब जो है तो आज जो है तो उप विभागीय आयुक्त से हम लोगों ने मुलाकात की और मजलिस की तरफ से इसके ऊपर कड़ा एतराज़ जताया कि जो है तो गरीब ऑटो वालों के ऊपर ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। पिछले 1 साल से लॉकडाउन से परेशान है, इनके घर का जो है तो भाड़ा कैसा भरे, हाँ रिक्शों के जो है तो हफ्ते कैसा भरे, ये लोग उससे परेशान है। और ऐसे वक्त में जब मोदी साहब के आशीर्वाद से पूरे हिंदुस्तान में 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल का भाव हो गया, ऐसे वक्त में गरीब रिक्शे वाला अगर जो है तो 2 से ज़्यादा सीट नहीं बिठेंगे तो कैसा उसका रिक्शा चलेंगे और कैसा उसके सर्वाइवल का ये सवाल है। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये गरीब आवाम का मुद्दा है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इसकी जो है तो बातचीत आप भी ऊपर तक पहुँचाइए और ये मुद्दे को हम भी और ऊपर तक ले जाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और ये जो गलत कानून इन लोगों ने बनाया है कि रिक्शे के ऊपर जो है तो 2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते, हम इंशाल्लाह उसका विरोध करते रहेंगे जब तक उसको हटाया नहीं जाता। साथों साथ जो है तो हम लोगों ने ये भी निवेदन जो है तो डिविजनल कमिश्नर साहब को दिया है कि जो छावनी परिसर के अंदर जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ चल रही है, जिस तरीके से एक कैंटोनमेंट बोर्ड के 4 नाकों के ऊपर जो है तो गरीब बस वालों के ऊपर, ट्रक वालों के ऊपर जो 3 से 4 पौतियाँ उनसे वसूली जा रही है, हमने उसका भी विरोध किया है और डिविजनल कमिश्नर साहब से मांगनी की है कि आप अपने स्तर के उसके ऊपर जो है तो उसकी जो है तो उसकी इंक्वायरी करिएगा और उनके ऊपर जो है तो कार्रवाई